तो आपको पहले तो इसका भाई इनिशियल चेक करते हैं। हो भाई क्रेजी, ओ भाई पुलिस वाले खड़े हैं, चुपचाप आराम से, शोर नहीं करना, चुपचाप निकालनी है। एक बार व्हीली पॉप अप करेंगे, पहले तो जबरदस्त हुई थी, अब देखते हैं। भाई 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 मेरे जीटी में इतनी बड़ी अपनी इतनी ऊंची व्हीली नहीं मारी भाई अभी तक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्विन शर्मा व्लॉग्स। सो बेसिकली काफी टाइम बाद आया हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे वीडियो। आज का वीडियो जो बेसिकली होने वाला है वो होने वाला है एक, मतलब हमारे लिए मेजर अपडेट है, वो क्या है, फ्यूलेक्स प्रो के रिगार्डिंग। बहुत जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे, इन शॉर्ट बता देता हूँ इसका मेजर रोल क्या है। ये रहा फ्यूलेक्स प्रो, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 टाइम आपका थ्रोटल रिस्पांस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मतलब एयर फिल्टर भी करता है, बट इससे थोड़ा और बूस्ट अप हो जाएगा। एक्सेप्ट डेट कंपनी क्लेम करती है, जो इनकी मतलब इसे हमने मंगाया जिस साइट से, उसमें मेंशन है अप टू 25% तक इसकी हॉर्स पावर बीएचपी भी इंक्रीज हो जाएगी, बट इतनी तो नहीं है। जो हमने पर्सनली देखा है यथार्थ ने, वो देखा आई थिंक 7 से 8% के करीब इतना होता है। तो बेसिकली ये इसका काम है, बाकी इसको राइड करके बताता हूँ आपको कि कैसा इसका पावर है, क्योंकि अभी तक मैंने चलाई नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अभी फर्स्ट टाइम जो चलाऊंगा, जो एक्चुअल रिएक्शन आएगा वो आपको कैमरे में दिखेगा, ठीक है, मेरी वाली में और इसमें कितना फर्क है। जैसे मैं अपनी रेगुलर चला रहा हूँ, वो खड़ी अपनी वाली में फ्यूलेक्स नहीं है, हाँ अपडेटेड है, फिल्टर वगैरह सब कुछ है। और दूसरा क्या है, एक प्लस पॉइंट ये है इसकी बाइक में कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट हो रखा है, जैसे पावर एज का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या पावर डिलीवरी करता है, इनिशियल कितना जाता है, फर्स्ट टू फोर्थ फिफ्थ गियर तक देख लेंगे कितना है। रोड अगर वैसी मिली तो थोड़ा थ्रोटल दूंगा इसे तरीके से। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें इसने एक चीज़ आगे से चेंज करी हुई है, लगे आते भी कवर अप कर देते हैं, देख रहे होंगे इसे माइनस वाली हेडलाइट लगा ली अपनी वाली जैसी, बट इसने एक चीज़ बहुत अच्छी करी, वो मैं बताता हूँ क्यों, क्या है, स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पहले ये DRL देख रहे हो, ऑरेंज कलर के हैं। मेरे में क्या है कि अगर मैं इसमें अपना हाई बीम ऑन करता हूँ ना, तो वो अपना ऑरेंज होता है, अदरवाइज वो वाइट ही रहता है। बट इसमें क्या है, इसने ये बटन लगाया हुआ 3-in-1 वाला, ठीक है। अब इसे ऑफ करके ऑन करेंगे ना, जैसे ऑफ करा मैंने, अब ये वाइट हो गया DRL। मेरे में ऐसा फीचर नहीं है, मतलब ये आई थिंक इस स्विच के थ्रू हो रहा है, थोड़ा कटिंग वटिंग होगी। अब इसको जैसे हम ऑफ करेंगे, ये दोबारा वो हो गया, और सेम एज इट इज़ ये कर सकते हैं हम ऑन में भी, हाई बीम में अगर ऑरेंज रखनी है या वाइट रखनी है, ठीक है। तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन इसने एक्स्ट्रा करा रखा था, मेरा कवर अप कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। बाकी इसकी जो इंस्टॉलेशन है फ्यूलेक्स प्रो की, वो सिंपल है, प्लग एंड प्ले है, ज़्यादा हाई फाई है नहीं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं, सीधा चला के दिखाता हूँ आपको कैसी है। तो ऑल राइट गाइस, अब मैं इसे बैठ गया, अब आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी जगह आया हूँ यहाँ, थोड़ी सी मैं से थ्रोटल भी दूंगा, भगाऊंगा भी, अपना POV भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपको पहले तो इसका भाई इनिशियल चेक करते हैं। हो भाई क्रेजी, बिजली देखो 5000 से पहले भी पॉप अप मार रही है। अब इसका थोड़ा टॉप एंड भगा के देखेंगे,
रहे हो, मैंने गियर्स भी प्रॉपर नहीं पहने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी रफ एंड टफ चलाने का। बाकी ब्रो पावर साउंड सुनो, पावर डिलीवरी ब्रो क्रेजी। ऑलराइट गाइस, अब अपन क्या करेंगे, पहले गियर में स्टार्ट करेंगे और दोनों ना सेम टाइम पे थ्रोटल रेव करेंगे। अभी नॉर्मल चलाएंगे 8-10 की स्पीड में, एक साथ देंगे फिर देखते हैं क्या रिस्पांस देती है जी। ठीक है, एक लाइव प्रूफ हो जाएगा, उसका भी आगे 18 है और पीछे 17 है, मेरा भी सेम है। ठीक है चलो, दोबारा मुझे लगा सिर्फ ए फर्स्ट गियर ही करना है। दोबारा कर ऐसा करते हैं ना, एक बार वहां से कर लेते हैं, वहां से आते हुए क्या कर लेंगे, एक बार तो ऐसे कर लेते हैं वहां से आते हुए, ये मैं ले लूंगा तू ले ले। हां ऐसे कर लेंगे, ड्राइवर एक्सचेंज सही बोल रहा है। चलो गाइस राउंड 2 गेट रेडी। तू दे अब उसका छूट गया, दोबारा करेंगे। टेक 2 टेक 3 मैंने एकदम से ऐसे कर दिए। पता नहीं मैंने लॉन्च दी नहीं दी भाई, पता नहीं, अब यही करेगा। दी, 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 दी।
गाइस राउंड 3 टू दे यथार्थ की में हमने वे टू स्पीड का एयर फिल्टर लगाया था जो कि वो हटा चुका है क्योंकि वो डस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पावर में भी पिकअप में भी प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने स्टॉक अपडेट कर लिया। स्टॉक के बाद भाई इतना डिफरेंस है देख लो। आगे गाइस आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियोस डाल रहा हूँ भाई, टाइम नहीं लग पा रहा है। अभी आगे भी ट्राई करूँगा, अभी लगेंगे आई थिंक मुझे एक दो हफ्ते और रेगुलर आने में, बाकी उसके बाद रेगुलर रहूँगा। तो यही था एक इस वीडियो में, बाकी थोड़ा अब हम भगाते हैं चलते हैं।